वचन लिया था देवी अम्मा के सामने वैष्णवी, भूल गई? नहीं पुजारी जी, कोई भी प्रभुदासी अपना वचन कैसे भूल सकती है? बाकी प्रभुदासी आपत्ति जता रही है, तेरी बेटी मीना परंपरा नहीं पाल रही। नहीं पुजारी जी, ऐसी कोई बात नहीं, देवी अम्मा की कृपा से मीना माँ बनने वाली, मुझे पूरा भरोसा है देवी अम्मा बेटी ही देंगी। तू तो सच्ची भक्त है देवी अम्मा की वैष्णवी, लेकिन अपनी बेटी को भटकने ना दे। देवी अम्मा का श्राप लग गया ना तो कोई ताकत नहीं बचा सकती, कोई नहीं, खुद तो डूबेगी, सारी बिरादरी को ले डूबेगी। लटका हुआ तो संजय, लटकी हुई तो आशा, ठीक है? लड़का हो लड़की हो जो भी हो, लेकिन मैं उसे इस काम में नहीं आने दूंगी, मैंने सोच लिया। तय नहीं कर पा रहा हूँ, तुम्हारी मुस्कान ज्यादा पसंद है या फिर तुम्हारी सोच? तुम आए थे तो मेरी मुस्कान के लिए, जैसे सभी आते थे, लेकिन ये तो बचपन में ही तय हुआ था ना कि मीना प्रभुदासी बनेगी और प्रभुदासी ही मरेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। 9 साल की थी जब मुझे और मेरी सहेली प्रभा को प्रभुदासी बना दिया गया। हमें तो उस वक्त उसका मतलब भी नहीं पता था। उससे पहले तो हम बहुत खुश थे, अच्छी जिंदगी जी रहे थे। अर्जुन, मैं मेरे बच्चे को बहुत सारी खुशियां देना चाहती हूँ और वो खुशियां उससे कभी छीनना नहीं चाहती। मेरा बाप कौन था मुझे कभी पता नहीं चला, लेकिन मेरे बच्चे को उसके बाप का नाम पता होगा। बाहर धनियों की कतार लगी है मीना, जो तुझसे सेवा चाहते हैं, लेकिन ये जो तू कर रही है ना, बहुत गलत कर रही है। मैं अब किसी और मर्द के साथ नहीं बैठूंगी अम्मा, मैं अर्जुन से प्रेम करती हूँ। हम प्रभुदासियों के लिए प्रेम जहर का दूसरा नाम है मीना, ये तब तक जान नहीं लेता जब तक जवानी, उम्र बीत जाएगी ना तभी अपना असली रंग दिखाएगा। अर्जुन भी मुझसे प्यार करता है अम्मा, लेकिन प्यार से पेट नहीं भरता मीना। अर्जुन चाहकर भी तुझ पे खर्च नहीं कर पाएगा, और तू फैक्ट्री में चाहे जितनी मेहनत कर ले, उसे तू, तेरी बच्ची और मैं जिंदगी नहीं काट सकते। ऊपर से देवी अम्मा का प्रकोप, तू उनको नाराज करने का सोच रही। अर्जुन हमें मदद करेगा अम्मा। करेगा शायद, लेकिन तब तक जब तक उसे कोई दूसरी प्रभुदासी पसंद नहीं आ जाती। इसमें गलत भी क्या, उसका हक है, फिर क्या होगा? दिमाग से सोच मीना, हम प्रभुदासी हैं, हमारा दिल नहीं हो सकता। अर्जुन एक बार लड़की से मिल तो लो, काफी अच्छा खानदान है। 24 का हो गया है तू, अब तेरी जिंदगी में औरत होनी चाहिए। एक लड़की है केशव भैया, मीना नाम है उसका। कौन? मीना वो प्रभुदासी जिसके पास तू जाता है? जी भाभी। बात तेरी शादी की हो रही है, वो दासी है। हाँ कभी कभार उसके पास जाना ठीक है, लेकिन पत्नी, पत्नी वो नहीं बन सकती। अर्जुन, अरे शादी के बाद भी तो तू प्रभुदासी के पास जा सकता है, सब जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और छोटे, जिस लड़की से तेरे शादी की बात कर रहे हैं हम लोग, उसका बाप बड़ा अमीर है, अपने कारोबार में तुझे भागीदार बना लेगा, तू तो 2 किताबें भी पढ़ा है, आगे तक जाएगा। ठीक है बाबा, थोड़ा सोचता हूँ, लेकिन मेरे हाँ कहने तक उनको जवाब मत।
क्विर्की, मीना कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। प्रभा कहाँ है? 6 साल हुए उसे मिले। यही है, देख ये चंदा है, प्रभा की बेटी। अरे वाह, चंदा मेरे पास आ, आ जा अंदर। प्रभा, मीना कैसी है प्रभा? मैं अच्छी हूँ, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। और ये क्या, तू यहाँ पे है? मैं यहाँ कब से हूँ पता है? मुझे एक बार भी मिलने नहीं आई ना? मैं कल ही तो आई मीना, आज आने ही वाली थी तुझसे मिलने के लिए। अच्छा, बहुत याद आती थी रे तेरी। मुझे भी। काफी बूढ़ा था मीना, लेकिन पैसे अच्छे दे रहा था तो मैं गई उसके साथ। वैसे भी मुझे किसी एक के साथ ही बनना था, फिर चाहे वो बूढ़ा हो या जैसा भी हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना। फिर 4 साल के बाद चंदा आ गई और धनी के धंधे में काफी नुकसान भी हो गया था। नहीं नहीं धनी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? और आपने तो इसे काफी महंगे में खरीदा था, तो फिर इतनी जल्दी क्यों लौटा रहे हैं? और देखिए ना, चंदा भी कुछ ही सालों में प्रभु दासी के लिए तैयार हो जाएगी, तब तक के लिए आप माँ बेटी को अपने पास रख लीजिए। मुझसे और नहीं होगा, कोई और खरीदार देखो इसके लिए, जाओ भी। दो चार दिनों में दूसरा खरीदार भी ढूंढ लिया अम्मा ने, अच्छी खासी रकम देने को तैयार था बच्चे के बावजूद भी। उसी गांव का था क्या? हाँ, मिहन पट्टी का, लेकिन कुछ समय के बाद मुझे कहीं दूर शहर ले गया। शहर? कौन से शहर? बम्बई? नहीं, दिल्ली। वो वहाँ काम करता था? नहीं, मैं वहाँ काम करती हूँ। रानी दीदी, मेहनत यही है। अच्छा, तो तू प्रभु दासी है? जी। अच्छी बात है। नीलिमा, नीलिमा। जी रानी दीदी। नीलिमा, ले जाए इसे और इसका कमरा तैयार कर दे, अब से ये भी यही काम करेगी। उस आदमी को मेरी कमाई का हिस्सा मिलता है और हर महीने रानी दीदी मुझे तनख्वाह भी देती है। अच्छे पैसे मिलते हैं? कहाँ अच्छा पैसा, दिन में कभी 4 कभी 5, 10 से 12 धनी आ जाते हैं, लेकिन सारी कमाई का पैसा रानी दीदी के पास ही जाता है। रानी दीदी मुझे जो पैसे देती है उसमें दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहना काफी मुश्किल हो जाता है, इसलिए चंदा को अम्मा के पास छोड़ के जा रही हूँ। वहाँ जाके पैसे कमाऊंगी और उनको जो भी बनेगा वो भेजूंगी। वैसे भी कुछ समय के बाद चंदा की भी तो शादी करानी है। हाँ प्रभा, तुझे वो दिन याद है जब अरुण भैया आए थे हमें बताने कि हमारी शादी होने वाली है? शादी? हाँ, कल रात को तुम दोनों की शादी है। लेकिन उस वक्त हमें क्या पता कि ये शादी हमारी जिंदगी को नरक बना देगी। मीना, बावली हो गई है क्या? क्या नरक वरक की बातें बोल रही है? ये तो हमारी जिंदगी है, यही तो है सब कुछ। क्या सोच रही है तू? प्रभा, मैं पेट सी हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। देवी अम्मा करे कि लड़की हो। अगर लड़की हुई तो वो प्रभुदासी कभी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि प्रभुदासी की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती प्रभा। और वैसे भी अब कोई भी आदमी मुझे पैसे देकर इस्तेमाल नहीं कर सकता। अरे पगली, ये तो काम है हमारा, पेट भरते हैं इससे। तू कमाई कैसे करती है? मैं एक फैक्ट्री में काम करती हूँ प्रभा। फैक्ट्री में मजदूरी? मीना, मतलब तू एक भी आदमी के साथ नहीं बैठती? ये इसका बाप अर्जुन, अब बस वही है। मतलब तू अपने बच्चे को प्रभुदासी या प्रभुदासा कभी नहीं बनने देगी? कभी नहीं। मीना, ये हमारी जिंदगी है। पंडित जी कहते हैं ना, परंपरा, मर्दों की सेवा, ये सब देवी अम्मा की सेवा है। हम पैदाइशी ऐसी है, तो पैदाइश को कोई कैसे बदल सकता है?
मीना उसी देवी माँ से शक्ति की दुआ कर रही थी जिसके नाम पर समाज ने उसे शोषण की सलाखों से जकड़ रखा था। मीना खामोश थी, उसकी रूह कांप रही थी, पर उसने फैसला तो कर लिया था कि वो इस अत्याचार को और नहीं सहेगी, और इस फैसले ने ही उसे ताकत दी, उसे हिम्मत दी। उसकी तरफ चलाया गया हर गुस्से का बाण मीना शांत लेकिन डरे हुए मन से झेल रही थी, पर उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो कौन सा दरवाजा है, कौन सी सुरंग है जहां से वो अपने होने वाले बच्चे को इस कैद से आजाद करा पाएगी। पेट में बच्चे के साथ साथ मीना का विश्वास भी खामोशी से बढ़ता जा रहा था कि आखिरकार फैसला उसके फैसले के पक्ष में होगा, वो अपने बच्चे को इस प्रथा से बचा पाएगी। और उसका अर्जुन में भी भरोसा बढ़ता जा रहा था जिसने उससे सम्मान का पहला कदम चलवाया, बगावत का पहला खामोश नारा लगवाया। मीना एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी थी जहां जमीन से ज्यादा कांटे थे। उसने जीने का एक नया तरीका अपनाना शुरू किया था जो प्रभुदासी प्रथा के ठेकेदारों के लिए बर्दाश्त के बाहर था, लेकिन मीना ने ठान लिया था कि वो अपनी गरिमा और अपने आने वाले बच्चे के भविष्य को ठेकेदारों के हाथों में कठपुतली नहीं बनने देगी। थोड़ा सा और बर्दाश्त कर ले बेटा। मीना जोर लगा बेटा, जोर लगा। हो गया मीना, क्या? जय अम्मा। देखा वैष्णवी, देवी अम्मा कितनी दयालु है। हाँ पुजारी जी, देवी अम्मा की कृपा से लड़की हुई हमें। आज तो महाभोग चढ़ा दे देवी अम्मा को। हाँ पुजारी जी, देवी अम्मा को जरूर महाभोग चढ़ाऊंगी। देवी अम्मा जरूर चढ़ाऊंगी। आशा नाम कैसा रहेगा? अम्मा, बच्ची बहुत सुंदर है ना? हमारी बेटियां सुंदर ही होती ताकि वो देवी अम्मा की सेवा कर सके। मेरी नवासी ऐसी प्रभुदासी बनेगी जो मीना नहीं बन सकी। अर्जुन, इस बार क्या नाम रखना चाहोगे? आशा को भाई या बहन होने वाली है। अब खेलो बेटा। सोचूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और ही सोच रहा हूं। क्या? मीना, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, मुझे पता है कि पहले पूछ लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, पहले भी नहीं पूछना चाहिए था और अभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि नहीं हो सकता अर्जुन। देखो, मैं बस अपने बच्चों के लिए अच्छी जिंदगी चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं ही सपने देखना शुरू कर दूँ तो देवी माँ का प्रकोप सब पर टूट पड़ेगा। मीना, तुम्हारी प्रभुदासी रहते हुए बच्चों को बेहतर जिंदगी कैसे मिल सकती? सबको खुश करने के चक्कर में तुम अपने आप को खुश नहीं रख सकती। तुम्हें, मुझे, हम दोनों को नाराजगियों का सामना करना पड़ेगा।
मीना, अगर देवी अम्मा की कृपा रही और इस बार भी लड़की हुई ना, तो देवी अम्मा को तीन तीन महाभोग चढ़ाऊंगी। मैं तो सोच रही दोनों की शादी भी एक साथ कर देंगे। अम्मा, हम इस बारे में बात ना करें तो ही अच्छा। अच्छा होगा कि तू उन सारी बातों के बारे में सोचना बंद कर, जो कभी हो ही नहीं सकती। मैं कहती आई हूँ और कहती रहूंगी। आशा हमारी प्रथा आगे बढ़ाएगी और तेरी आने वाली बच्ची भी यही करेगी। उससे शादी करेगा? उसकी शादी हो चुकी है बहुतों के साथ। जो भी चाहे पैसे देकर उसके साथ सो सकता है। अरे बीवी वो होती है जो सिर्फ सिर्फ तुम्हारी होती है, जो तुम्हारे बच्चे पैदा करती है, जो तुम्हारे मकान को घर बनाती है, वो बीवी होती है। मीना सिर्फ मेरी है, वो मेरी आशा की माँ है और वो मेरे घर को अच्छी तरह बसा सकेगी। ए, बच्चों को सिर्फ बाप के नाम की फिक्र नहीं होती, माँ के नाम की भी होती है। अरे बाप में कोई खराबी होगी ना तो भी समाज माफ कर देगा, लेकिन एक प्रभुदासी माँ, वो बच्चे क्या कहलाएंगे पता है? जिंदगी एक ताना बन जाएंगी तुम दोनों के लिए। जिंदगी भर सिर्फ ताने सुनते रहेंगे, सिर्फ ताने। और न जाने कितने रिश्तेदारों के साथ, पता नहीं कितने पहचान वालों के साथ, किस किस के साथ बैठी होगी वो। सबको क्या क्या जवाब देंगे हम? वो सब की फिक्र नहीं है मुझे। मैं और मीना ये सब सह लेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो कहीं और जाके बस जाएंगे अपने बच्चों के साथ। प्यार करते हम एक दूसरे से। तेरा ये प्यार इतना नफरत उगलेगा ना कि मैं भूल जाऊंगा तेरा भाई हूँ, जान से मार दूंगा तुझे। आपको जो करना है आप कर लीजिए भैया, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा और हमारा एक और बच्चा होने वाला है। ये जितने चाहे बच्चे पैदा करना, रिश्ता रख उसके साथ, लेकिन शादी नहीं करेगा तो फिर बच्चों का क्या होगा? प्रभुदासी की बच्ची है ना तो प्रभुदासी ही बनेगी। आशा मेरी बेटी है और वो इस घर की बेटी बनेगी। हमारे घर की बेटी बनाएगा, हमारे घर की बेटी बनाएगा उस दासी की बच्ची को। खुद उसको पता नहीं है कि वो किस बाप की है और उसकी बेटी का बाप बनने चला है तू। दोबारा अगर इसने जिद की तो ये इस घर का हिस्सा नहीं होगा और ना ही इसे इस घर का हिस्सा मिलेगा। सूरज को पश्चिम से उगाने की कोशिश कर रहा है तू? ऐसा कभी नहीं होगा, प्रभुदासियों से कोई शादी नहीं करता। अरे हमारी बात तो छोड़ दे, उसके लोगों के बारे में सोच, वो लोग ऐसा होने देंगे? आप क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, इससे ये तय नहीं होता कि मैं और मीना क्या चाहते हैं। बाबा नाखुशी एक चीज होती और जबरदस्ती एक चीज, लोगों को जो करना है वो करें, ये बात तो तय है बाबा। मीना और मैं अलग नहीं होंगे। तेरी अकल ऐसे ठिकाने नहीं आएगी, निकल जा इस घर से। जब उसे और उसके बच्चों को पूरी तरह से जिंदगी से बाहर निकालेगा ना तब आना। तब तक सोचूंगा, मेरे दो बेटे नहीं एक ही है। मैं कहां पैदा हुआ था, कौन पैदा हुआ था, ये मैं बदल नहीं सकता और ना ही मीना बदल सकती है, लेकिन हम हमारी जिंदगियां जरूर बदल सकते हैं। अगर आप लोगों की सोच कभी बदली तो मैं आप लोगों को कबूल करूंगा फिर से। तब तक के लिए मीना खा देवी अम्मा की कसम, तो अपनी बेटी आशा को प्रभु की सेवा में भेंट करेगी। खा कसम। हाँ बोल मीना, हाँ बोल। इतना याद रख मीना, देवी अम्मा खामोशी से ख्याल रखती है और उसका प्रकोप भी खामोश होता है, और वो उसका गुस्सा जब तुम पर टूटता है तो वो खामोश नहीं होता, तुम्हारी चीखें सारी दुनिया को हिला देगी। सुना तूने पुजारी जी क्या बोल रहे? माँ के मंदिर में खड़ी है तू मीना, जान ले अगर तूने खुद को या अपनी बेटी आशा को सेवा के रास्ते से हटाकर खुद का स्वार्थ देखने के रास्ते पर ले आई तो ये रास्ता सीधे नरक जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देवी अम्मा कह रही है। तुमने मुझसे एक बार कहा था कि मैं पहली बार तुमसे मिलने दूसरे मर्दों जैसे आया था,
तन की भूख मिटा। उनसे इतना प्यार कर बैठूंगा ये कभी मैं सोचा नहीं था। अर्जुन तुम्हें पता है, तुम वो पहले मर्द हो जिसने मेरे साथ इतनी इज्जत से, इतने प्यार से बर्ताव किया है। तुम्हें मिलने के बाद सपने देखने की हिम्मत की है मैंने। वो सपने सच होंगे, कागज की कश्तियों जैसे होते हैं ये सपने। डूबना तो तय है इनका, फिर चाहे हम लाख कोशिश करें इन्हें बचाने की, लेकिन कागज की कश्तियां तैर नहीं पाती। हमारी जिंदगी अब सुधर नहीं सकती अर्जुन। बगावत की ये छोटी सी कश्ती जमाने के ताकतवर भंवर में खूब डगमगाई, लेकिन उस जोड़े के दिल में वो उम्मीद तैर कर सांसें ले रही थी, उस भरोसे में महफूज कि चाहे कुछ भी हो जाए वो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और फिर आया तकदीर का भेजा एक मौका, डूबती नाव की तरफ फेंकी गई एक रस्सी। मीना, मीना, मेरा नाम विशाखा है। यहाँ गांव वालों ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो ठीक नहीं होगा, कहीं और जाके बात करें। मुझे तुम्हारे साथ बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं एक समाज सेविका हूँ, शहर में एक संस्था है उसके साथ काम करती हूँ। मुझसे क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं, वो दरअसल मैं तुम्हें कुछ दिलाना चाहती हूँ। क्या? सरकार ने बच्चियों के लिए कई सुविधाएँ दी हैं, खासकर प्रभुदासियों की बच्चियों के लिए। ऐसा क्यों? ताकि तुम्हारी बच्ची पढ़े, आगे बढ़े। सच? सरकार इस प्रथा का अंत चाहती है। सरकार ने इस प्रथा पर रोक लगाई है, ये पूरी तरह गैर कानूनी है, फिर भी चल रहा है। ये सब मुझे बिल्कुल पता नहीं था। यही हमारा काम है, तुम जैसे औरतों तक ये सारे इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। मुझे किसी ने बताया कि तुम अभी दूसरे मर्दों के साथ नहीं जाना चाहते, निकलना चाहते हो इन सब से। और तुम्हारी आशा, आशा ही नाम है ना? हाँ। आशा अब 3.5 साल की हो चुकी है, मैं उसका स्कूल में दाखिला करवा सकती हूँ। वो एक ऐसी जिंदगी जी सकती है जो आम बच्चियाँ जीती है, हंस खेल कर, पढ़ लिख कर। उसे प्रभुदासी बनने से हम रोक सकते हैं। ये मेरा फोन नंबर है, तुम जब चाहे मुझे फोन कर सकती हो। विशाखा जी कह रही थी कि सरकार की कुछ स्कीम है जिसमें वो हमारी आशा को पढ़ाने में मदद करेंगे, कुछ पैसे भी दिलवाएंगे, हर महीना 15,000। लेकिन उसके लिए आशा का जन्म प्रमाण पत्र लगेगा। हाँ, मैं म्यूनिसिपैलिटी का ऑफिस गया, बोले कि सर्टिफिकेट के लिए बाप का नाम लगेगा, शादी का कागज लगेगा और उस अस्पताल का एड्रेस जहाँ पे आशा पैदा हुई थी। हमारे पास तीनों नहीं है। एक बार ये शहर जाकर विशाखा जी से मिल सकते हैं, हम उन्हें सब कुछ बता देंगे। सबसे जरूरी बात है कि मीना खुद इस प्रथा से बाहर निकलना चाहती है, और फिर तुम दोनों शादी भी करना चाहते हो। मैडम जी, मीना अपनी माँ को दुख नहीं देना चाहती, और वो देवी अम्मा के प्रकोप से सब डरते। लेकिन जो करना है वो करना है। आशा का जन्म प्रमाण पत्र तैयार हो जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन हो जाएगा। अगर तुम दोनों की शादी हो गई होती तो ये काम बहुत आसान होता, लेकिन कोई बात नहीं, हम हमारी तरफ से काम शुरू कर देते हैं। लेकिन जो दूसरा बच्चा होने वाला है उसे बाप का नाम, हॉस्पिटल का नाम पहले से ही मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। अगर तुम्हें और मीना को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं एक बार मीना की माँ से बात करना चाहूंगी। नहीं, मुझे अच्छी तरह से पता है उस स्कूल में बच्चों के दिमाग में क्या जहर घोला जाता है, कैसे उन्हें हमारी प्रथा से गुमराह किया जाता है, और मैं अपने जीते जी ये होने नहीं दूंगी। इसकी किसी भी इंसान से शादी नहीं हो सकती, और इसकी आने वाले चंद सालों में शादी होगी प्रभु से। मैंने और मीना ने देवी अम्मा से वादा किया है। लेकिन मीना अब इस प्रथा में नहीं जीना चाहती, वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी भी इसी जिंदगी में दाखिल हो। हम पढ़े लिखे नहीं है तो क्या सोच लिया कि जानकार नहीं, सही गलत की समझ नहीं। हमें हमेशा बताया जाता है कि कैसे तुम जैसे लोग हमारे वंश को मिटाने आए। ऐसी बात नहीं है वैष्णवी जी, आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मेरे घर में आके मेरे ही घर को तोड़ने की बात करी, अच्छा होगा यहाँ से निकल जाओ, वरना पुजारी जी को अगर आवाज लगाई ना तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा,
हम आपका घर नहीं तोड़ रहे वैष्णवी जी, दरअसल ये प्रभुदासी की प्रथा आपका घर बसने ही नहीं दे रही। बस बहुत हो गई बकवास। काश कि देवी अम्मा उस पुजारी के माध्यम के बजाय सीधे आपसे बात करती तो वो आपको यही बताती कि आपकी बेटी मीना एक इंसान है, वो किसी की सेवा के लिए नहीं बनी है, वो अपनी तकदीर की खुद मालिक है। और वैष्णवी जी, अगर आप देवी अम्मा की इज्जत करती है ना, तो आप मीना की भी इज्जत करेंगी। लगता है तुम दोनों ठान कर आई हो कि पूरे गांव के सामने बेइज्जत होकर जाओगी। अम्मा, मैंने इन्हें बुलाया है। तो चुप कर मीना, पता नहीं तेरे दिमाग में इन लोगों ने क्या कचरा डाल दिया। अम्मा, ये हमारी मदद करने आई है। अच्छा? हाँ, सरकार कुछ पैसे दिलवाएगी हमारी आशा को पढ़ाने के लिए। इससे हमारी आशा को तुम्हारी और मेरी तरह जिंदगी भर किसी मर्द के साथ बैठना नहीं पड़ेगा। इंसानों वाली जिंदगी जिएगी हमारी आशा। तुम्हारी और मेरी जिंदगी तो जानवरों से भी बदतर है। जानवरों से भी बदतर? मीना, हम प्रभु दासियां हैं, प्रभु की सेवा करती हैं। क्या खिला दिया रे इन लोगों ने तुझे जो तू ऐसा सोच रही? हाँ, वो ऐसा सोच रही है क्योंकि वो इंसान है। जब वो छोटी सी थी, जब उसे पता भी नहीं था, अपनी पसंद का, अपने हक की समझ नहीं थी, तभी से उसे इस दलदल में धकेल दिया गया है। और वैष्णवी जी, आपके साथ भी यही हुआ होगा। बस बस, सुन ली मैंने बकवास, दफा हो जाइए यहाँ से। मैंने कहा ना जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। ये शैतान के प्यादे हैं जो एनजीओ चलाते हैं शहरों से, सिर्फ इसलिए कि सरकारी पैसा हड़प सके और तुम जैसे भोली औरतों को गुमराह कर सके। कुछ लड़कियां गुमराह होती है, पर तुम उनमें से नहीं हो मिला। तूने माँ के सामने सौगंध खाई है कि मरते दम तक सेवा करेगी। तेरी शादी हो गई है प्रभु से। देखिए पुजारी जी, मुझे मेरी बच्ची को इस प्रथा में नहीं पालना, मुझे उसे अपनी तरह नहीं बनाना है। मैं तो इसे पढ़ाऊंगी। बचपन में मुझे लगा था ये शादी वादी सब बच्चों का खेल है, लेकिन मुझे क्या पता ये शादी होने के बाद मेरी जिंदगी इतनी बुरी और बदतर हो जाएगी। हे देवी अम्मा, असर कर गए उनकी बकवास। ये तो मुझे उनको मिलने के कई सालों पहले से ही लगता था पुजारी जी। उन्होंने तो बस एक उम्मीद दी है कि सरकार हमारी आशा को पढ़ाने के लिए मदद करेगी, और ये तो मैं करके रहूंगी। प्रभु से शादीशुदा होने के बावजूद तो इंसान से शादी करने का लालच रख रही हो और बच्ची को पढ़ाने का बहाना बना रही हो। ऐसा नहीं है पुजारी। चुप! क्या मैं सच्चाई नहीं जानता? सरकार के चार पैसे और अर्जुन की दो मीठी बातों के लिए तो देवी अम्मा का प्रकोप झेलने के लिए तैयार है? कभी सोचा भी है? पूरे गांव पर कहर टूट पड़ेगा, घर घर से अर्थें उठेंगी। मीना, पीढ़ियों दर पीढ़ियों से चला आ रहा है ये चक्के की तरह, पीढ़ियों से चढ़ती हुई चक्के को नहीं रोक सकते। तेरी एक बगावत सिर्फ आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी ही नहीं बर्बाद करेगी, बल्कि तेरी माँ के खानदान की सारी आत्माएं जो जो स्वर्ग में है उनको भी ठेस पहुंचाएगी। सोच लो उनकी बदलाव में कितनी ताकत होगी। उनका सर फकर से उठवाने के बजाय तू उनका सर झुका रही है। राधिका जी, ऐसा बिल्कुल मत समझिए। अगर कोई महिला प्रभुदासी प्रथा छोड़ना चाहती है तो मैं और मेरा डिपार्टमेंट कोऑपरेट नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। तो फिर अर्जुन और मीना की शादी करवाने में हमारी सहायता करने से आप हिचकिचा क्यों रहे हैं? देखिए, पिछले दोनों केसेस में लड़की की माँ और पूरा गांव उन्हें जबरदस्ती प्रभुदासी बनाकर रखना चाहता था, लेकिन वो लड़कियां खुद ये जिंदगी छोड़कर एक आम जिंदगी जीना चाहती थी। लेकिन ये मामला थोड़ा अलग है। कैसे? देखिए, यहाँ पर किसी ने भी किसी को जबरदस्ती रोक कर नहीं रखा, तो फिर मैं कैसे मीना और उसकी बेटी को उसके घर से जबरदस्ती निकाल सकता हूँ? देखिए, हम लोग कानून के रखवाले, कानून का पालन तो करना ही पड़ेगा। गांव की बात है इंस्पेक्टर, गांव में ही रहने दो। ऊपर से धर्म कर्म का मामला है। आप जोश दिखाएंगे तो गांव वाले होश नहीं दिखाएंगे। इनकी श्रद्धा ही इनका अस्तित्व है। छेड़िए मत, खून बहेगा। धमकी मत दीजिए आप। चेतावनी को धमकी ना कहिए। मुझे मीना से बात करनी है, बुलाइए उसे। मैं भी तो पूछूं कि वो इस प्रथा में अपनी मर्जी से है या उसे जबरदस्ती रखा जा रहा है। वैष्णवी, ला बुला लो मीना बेटी को। मीना, एनजीओ वालों का कहना है कि तुम और अर्जुन शादी करना चाहते हो, तुम अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहती हो और सरकारी स्कीम का फायदा लेना चाहती हो।
लेकिन तुम्हारी अम्मा ये पुजारी और बाकी सारे गांव वाले तुम्हें जबरदस्ती रोक रहे हैं। क्या ये लोग तुम्हें धमका रहे हैं? बोलो मीना, उस लड़की ने चू तक नहीं की। वो डरी हुई है इंस्पेक्टर। दबाव में है जानता हूं, लेकिन जब तक वो अपनी तरफ से कोई इशारा नहीं करेगी हम लोग उंगली भी नहीं उठा सकते। आप उसे वहां से बाहर निकालिए, मजिस्ट्रेट के सामने दोनों की शादी करवा दें, फिर आप इन्हें सेटल कर दीजिए गांव से दूर। प्रभुदासियों के पुनर्वास के लिए सरकार की कोई स्कीम तो होगी नहीं? मेरे हिसाब से यही बेस्ट आइडिया, और कोई तरीका नहीं। वैसे इंस्पेक्टर कह तो सही रहा है अर्जुन, एक बार तुम और मीना वहां से बाहर निकल आते हो तो उसके बाद हम तुम दोनों को सेटल कर देंगे, शादी होगी, आशा स्कूल जाएगी और आने वाला बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होगा। सच बताऊं तो हमें बहुत कम केसेस में सफलता मिलती है। मतलब? मतलब हम कई प्रभुदासियों से बात करते हैं, उन्हें मना भी लेते हैं, पर ऐन मौके पर देवी अम्मा के प्रकोप का डर उन्हें निकलने से रोक लेता है। ऐसा डर बना के रखा है ताकि कोई लड़की बाहर निकल ही ना पाए। लेकिन मीना ऐसी पहली प्रभुदासी नहीं होगी जो वहां से बाहर निकलेगी। दूसरे राज्यों में, कस्बों में कई ऐसी औरतें हैं जो अच्छी जिंदगी बसर कर रही हैं। बस वो ये श्राप वगैरह का डर मन से निकाल दे और एक कदम भी आगे बढ़ाए ना, तो हम 100 कदम उस तक चल के जा सकते हैं। लेकिन हाँ, पहली पहल उसकी तरफ से होनी होगी। चल मीना, चलते। तुम्हारी अम्मा तुम्हें और हमारी आशा को इस प्रथा से निकलने नहीं देगी। मेरे घर वाले मेरा शक्ल तक नहीं देखना चाहते। ये माहौल हमारे लिए सही नहीं है, कहीं और चल के बस जाते हैं ना। अर्जुन, मैं अगर अपनी आशा को लेके तुम्हारे साथ आती हूँ तो मेरी अम्मा का चेहरा उसके बाद कभी नहीं देख पाऊंगी, उसकी कभी मदद भी नहीं कर पाऊंगी। अच्छी बुरी जैसी भी हो, मेरी अम्मा है तो मेरी जिम्मेदारी। देख मीना, मैं तेरे को ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी जिससे हमारी प्रथा, हमारा वंश बर्बाद हो। और अगर तूने ऐसा कुछ भी गलत करने का सोचा ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी, बोल देती हूँ। मैं ये नहीं कर सकती अर्जुन, लेकिन हाँ एक वादा करती हूँ, मैं किसी और मर्द को मुझे छूने तक नहीं दूंगी। लेकिन मेरी अम्मा के मौत का कारण मैं नहीं बनना चाहती। मीना, कैसी है तू? बाह, मैं ठीक हूँ। तू कैसी है? मैं अच्छी हूँ। अरे, ये अपनी आशा है? हाँ। कितनी बड़ी हो गई है। देख तो, कितनी प्यारी है। तेरी चंदा के साथ जाती है कभी कभी खेलने। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग बचपन में खेला करते थे। हाँ। पर जरूरी तो नहीं ना कि तेरी आशा और मेरी चंदा का भी वही असर हो जो हमारा हुआ है। भाग जा मीना, निकल जाए यहाँ से। प्रभा, ये तू कह रही है? चौंक गई ना, पिछली बार यही बात करके तूने मुझे चौंका दिया था। मीना, अब 4 महीने पहले हमारे कोठे पर पुलिस का छापा पड़ा था, मुझे भी पकड़ लिया, थाने लेके गए। और वहाँ पर ना एक पुलिस वाली औरत थी, मैंने उसे बताया कि मैं प्रभुदासी हूँ। तो वो क्या बोली? बोली कि अपना पूरा नाम बोलो। प्रभुदासी तुम्हारा पहला नाम है या दूसरा नाम? क्या? हाँ, मैंने उसे समझाया कि हम कौन हैं, क्या करती हैं, पर वो कुछ समझ ही नहीं पाई। बोली कि वो तो धंधे वाली ना। तब मुझे एक ख्याल आया कि हम लोग इस गांव में सबसे कितना डरते हैं, पुजारी जी, देवी अम्मा, अपनी खुद की माँ, मर्दों की सेवा, ये सब। लेकिन वहाँ उस पुलिस वाली को और करोड़ों लाखों के शहर में किसी को भी हमारी इस प्रथा, हमारी शादी, इन सबसे कोई लेना देना नहीं है मीना।
वहां सब अपनी मर्जी से जिंदगी जीते हैं, अपनी हक की जिंदगी। तब मुझे तेरा ध्यान आया। मेरे बारे में क्या? यही कि तू बहुत पहले ही समझ गई थी कि हम पर ये सब कुछ जो भी लादा गया है ये सब कुछ गलत है। अब अगर तू इस कीचड़ से नहीं निकली ना तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी तेरे अर्जुन के साथ और तेरे बच्चों के साथ। लेकिन मैं अगर मेरी अम्मा को छोड़ के चली गई तो उसके साथ तो नाइंसाफी होगी ना। मीना जिंदगियों के बारे में सोच। एक तरफ तेरी दो मासूम जिंदगियां हैं, तेरे बच्चे और तेरी और अर्जुन की पूरी जिंदगी, और दूसरी तरफ तेरी अम्मा की जिंदगी जो कहीं ना कहीं पहले से ही नरक में है। लेकिन तू एक मौका देगी तो क्या पता वो उस नरक से बाहर आ सके। और तू देखना जब उन्हें पता चलेगा ना कि तू कितनी खुश है, ये देवी अम्मा का कोई प्रकोप प्रकोप नहीं है तेरे ऊपर, तो वो खुद ब खुद तेरे पास चली आएंगी। लेकिन अगर कुछ कर बैठे तो? कुछ नहीं करेगी मीना, हम प्रभु दासियाँ इतनी कमजोर नहीं होती। कमजोर नहीं है तो तू क्यों नहीं आती तेरी चंदा के साथ? तेरी चंदा भी तो स्कूल जाएगी। तू चलेगी तो एक रास्ता बन जाएगा और शायद मैं भी हिम्मत करके तेरे पीछे पीछे आ जाऊँ। अच्छा प्रभा, वो एनजीओ वाली औरत विशाखा जी, उसे तू नहीं भेजा था ना? ना, मैंने तो नहीं भेजा। लेकिन क्या पता देवी अम्मा ने उसे भेजा था तेरे पास, तू ऐसा ही समझ ले। और ये सोच तुझे अपनी बेटी आशा को कहाँ भेजना है? स्कूल में जहाँ वो हमेशा खेलती हुई मुस्कुराती हुई रहेगी, या फिर किसी धनी के कमरे में जहाँ खेलने से पहले ही कुचल दी जाएगी। सोच ले मीना। आखिरकार अपने सारे डर, अफसोस और दोषी भाव पर पत्थर रखकर मीना अपनी बेटी आशा को लेकर अर्जुन के साथ घर से निकल पड़ी। इस सबसे बड़े कदम के बाद बाकी के कदम अपने आप पड़ने लगे। एनजीओ ने इस जोड़े के पुनर्वास में मदद की। मीना या अर्जुन के गांव वाले कोई दंगा ना कर सकें, इसलिए पुलिस की सख्त निगरानी में एनजीओ के कार्यकर्ताओं ने उन दोनों की शादी करवाई। मीना की मां वैष्णवी को काफी गहरा धक्का लगा ये जानकर कि उसकी बेटी अपनी बगावत को इस हद तक ले गई थी। करुणा, करुणा नाम कैसा? अच्छा है। अर्जुन, अम्मा मिली थी क्या? मिली थी। क्या बोली? मिलना चाहती आशा से, करुणा से, तुमसे भी। एनजीओ की मदद से आशा का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया गया और दूसरी बेटी करुणा के केस में कोई दिक्कत ही नहीं आई। एनजीओ अर्जुन को छोटा सा व्यवसाय शुरू करने में भी मदद कर रही है और साथ ही आशा और करुणा की परवरिश और पढ़ाई के लिए इस परिवार को सरकारी स्कीम्स दिलवाई जा रही है। मीना का यह साहसी कदम पूरे गाँव में चर्चा का विषय बन गया। गाँव में लोग उसे देवी माँ को उकसाने वाली, प्रथा को तोड़ने वाली औरत कहकर उसका तिरस्कार तो करते, लेकिन घर के आंगन में लोग फुसफुसाने लगे कि दरअसल मीना ने सही कदम उठाया। मीना की बगावत ने इस बात को झुटला दिया कि प्रथा छोड़ने से देवी मां का प्रकोप पूरे गांव पर बरसेगा। साथ ही लोगों को यह भी नजर आने लगा कि तकदीर ही सब कुछ नहीं है, जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में भी ली जा सकती है, जैसे कि अर्जुन और मीना ने ली। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में किसी भी धर्म या पंथ की प्रथाओं पर टिप्पणी करना या उसके बारे में जिक्र करने में खतरा होता है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, लेकिन खामोशी इसका इलाज नहीं है।
अगर सभी चुप बैठे रहेंगे, तर्क विवाद या डिस्कशंस नहीं होंगे, तो धर्म के नाम पर चल रहे मानव अधिकारों के उल्लंघन को कैसे रोका जा सकेगा? हमारे देश का संविधान हर नागरिक की समानता और गरिमा की रक्षा करता है, पर बेहतरीन कानून होने के बावजूद भी कुछ हानिकारक प्रथाएं अब भी चल रही हैं, और ये कोई राज की बात नहीं है। औरतों की सुरक्षा, उनके हक, उनकी गरिमा, इस सब पर चर्चा बेकार लगती है, व्यर्थ लगती है, जबकि हमारी सभ्यता, हमारे कल्चर के मूलभूत सिद्धांतों में इतना विकार आ गया है कि औरतों के शोषण को परंपरा, रिवाज और तहजीब का दर्जा हासिल हुआ है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। क्राइम पेट्रोल सतर्क में अब आपसे मुलाकात होगी अगले शुक्रवार को रात 10:30 बजे। तब तक सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।